हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके इंटरव्यू में और पावर प्रोग्रामर के रोल में तो बहुत बार पूछा जाता है। और जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू होते हैं उनमें मेजोरिटी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, लीडर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको इसको कोट करके भी दिखाऊंगा। मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आप काफी अच्छा से कर पाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के लॉजिक लगाने हैं और कैसे करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो। गिवन एन एरे ए ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, एक एरे दिया गया है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, योर टास्क इज टू फाइंड द लीडर्स इन द एरे। आपका टास्क है कि उस एरे में लीडर को फाइंड आउट करना है, कितने लीडर्स हैं उस एरे में उसको फाइंड आउट करना है। अब लीडर्स क्या है, तो देखो, एन एलिमेंट ऑफ एरे इज लीडर इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स टू इट्स राइट साइड। कोई भी एलिमेंट लीडर तभी है जब वह अपने राइट साइड के जितने भी एलिमेंट हैं उनसे बड़ा हो या फिर उनके बराबर हो। क्या समझे कि किसी भी एलिमेंट को हम लीडर तभी बोलेंगे जब उसके राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं वो सबसे बड़ा होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीडर, या फिर बराबर होना चाहिए। द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर, और जो सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट है मीन्स वैसा एलिमेंट जो राइट में है, एकदम राइट में है सबसे, वो तो अपने आप लीडर है ही। क्यों? क्योंकि यार उसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है तो अपने आप में क्या है, लीडर है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल वन क्या हमारे पास दे रहा है, इनपुट एन इक्वल टू सिक्स है। एक सिक्स साइज का हमारे पास एरे है जिसका नेम है ए। इसमें एलिमेंट है 16, 17, 4, 3, 5, 2 और इसका आउटपुट क्या है, 17, 5, 2। अब देखो, मैं 16 को देखूंगा और देखूंगा इसके राइट हैंड साइड में जितने भी हमारे क्या है, इसके राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं वो सबसे क्या है, बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि यार 16 के बाद उसके राइट हैंड साइड में एक एलिमेंट है 17 जो 16 से बड़ा है, तो 16 लीडर नहीं है। ठीक है, 17, 17 कैसे लीडर है, क्योंकि यार इसके राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं 17 उन सबसे बड़ा है, तो 17 क्या है, लीडर है। वैसे ही 4 लीडर नहीं है। क्यों? क्योंकि यार इसके राइट हैंड साइड में एक एलिमेंट है 5 जो 4 से भी बड़ा है, तो लीडर नहीं है। 3 लीडर नहीं है, 5 लीडर है। क्यों? क्योंकि यार 5 के राइट हैंड साइड में एक एलिमेंट है 2 जिससे बड़ा 5 है, और चूंकि इसके राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट है उन सबसे बड़ा है तो ये लीडर है, तो क्या हो जाएगा, 5। वैसे ही 2 तो लीडर है ही। क्यों? क्योंकि यार द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर, जो सबसे राइट में एलिमेंट है वो हमेशा लीडर है। तो अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि क्या हमें करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखो इसका। द फर्स्ट लीडर इज 17 एज इट इज ग्रेटर देन ऑल द एलिमेंट्स टू इट्स राइट। ठीक है, सिमिलरली द नेक्स्ट लीडर इज 5, द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर सो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 17, 5 और 2, ये तीनों क्या है, हमारे लीडर्स हैं। दूसरा एग्जांपल क्या दिया है, एक 5 साइज का दिया है हमारे पास एरे, 1, 2, 3, 4, 0 और इसमें हमारा क्या है, लीडर कौन कौन है, 4 और 0। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसके अप्रोचेज कि कैसे हम इसको क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ आगे और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एन इक्वल टू 6 और जितने भी इसके एलिमेंट हैं क्या क्या हैं, 16, 17, 4, 3, 5, 2, 16, 17, 4, 3, 5, 2, ये क्या है, हमारा एरे है। अब आपको समझना है काफी ध्यान से, अब आपको काफी ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा और मजा भी नहीं आ पाएगा। तो देखो, जैसे ये हमारे पास क्या है, एरे, मैं एक मार्कर चेंज करूंगा इधर और इसका मैं कलर ले लूंगा व्हाइट। इसका एलिमेंट कहाँ से होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा क्या है, इसका इंडेक्स है। ये हमारा क्या है, इसका इंडेक्स है। अब ध्यान से देखना है, अब क्या ध्यान से देखना है, हमें बताना है कि लीडर्स कौन कौन है। तो हमारे पास देखो दो अप्रोचेज यहाँ है। एक क्या है कि मैं एक फोर लूप लगाऊंगा 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर n तक मैं क्या करूंगा, एक फोर लूप लगाऊंगा और उस फोर लूप के अंदर मैं एक और फोर लूप लगाऊंगा जो ये कंपेयर करेगा कि हर एक जो 16 है हर एक एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं, वैसे जो 17 है हर एक एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं। लेकिन मैं अगर दो फोर लूप लगाऊंगा, अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं टू फोर लूप लगाऊंगा, टू
फोर लूप, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाएगा किसका, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं काफी ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखूँ और ओ ऑफ एन में कर लूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं काफ़ी आसान तरीका इसके लिए यूज करूँगा और बताऊँगा। देखो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मान लेता हूँ, क्या मानूंगा, कि जो हमारा लीडर है टू तो है ही। क्यों? क्योंकि यार क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ क्वेश्चन में है कि जो राइट मोस्ट एलिमेंट है वो तो लीडर है ही। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा कि हमारा जो टू है ये तो लीडर है ही। तो मैं मान लूंगा इंट, और यहाँ लीडर लिख लूंगा, लीडर इक्वल टू क्या, एरे ऑफ, जैसे एन सिक्स है तो इसका वैल्यू क्या है, फाइव, एरे ऑफ एन माइनस वन, ये हमारा लीडर है ही। समझ में आ रहा है? मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मान लूंगा जो हमारा टू है ये लीडर है, मैंने मान लिया। और क्या करूंगा, इसको इसको मैं एक जगह स्टोर कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर इधर बना लूंगा, वेक्टर वेक्टर इंट, एक आंसर नाम का मैं वेक्टर बना लूंगा, और उसमें मैं क्या करूंगा, आंसर डॉट पुश बैक, मैं उसमें क्या कर दूंगा, इसको डाल दूंगा, लीड को, जो हमारा लीड है, लीडर मतलब इसको मैं क्या करूंगा, लीडर को आंसर में डाल दूंगा। तो यहाँ हमारे पास एक टू आ गया, सबसे पहले तो टू हमारा आ गया, इतना मैं समझ में आ गया। मैंने इसको क्या कर लिया, मैक्सिमम मान लिया, इसको मैंने क्या किया है, मैक्सिमम मान लिया है। ठीक है, अब देखो जैसे इंट, अब मैं यहाँ मैक्स लेता हूँ और इसको पहले इसमें असाइन कर देता हूँ, एरे ऑफ एन माइनस वन, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम है। मैं मान लिया हूँ कि हमारा क्या है, मैक्सिमम है। अब मैं फोर लूप लगाऊंगा, फोर लूप मैं उल्टा लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर से सीधा लगाऊंगा, अगर मैं इधर से फोर लूप लगाऊंगा और ट्रैवर्स करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे दो फोर लूप लगाना पड़ेगा, एक लगाना पड़ेगा जीरो से लेकर एन तक, और एक लगाना पड़ेगा फिर हमारा कहाँ से, यहाँ से आई प्लस वन से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है एकदम सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा इधर राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से मुझे एक बात पता चला है यहाँ, क्या, कि जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट है वो लीडर है ही, और इसके इधर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो ये हमारा लीडर है। फिर मैं इधर जाऊँगा, इससे डायरेक्ट कंपेयर कर लूँगा कि फाइव के राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, उससे अगर छोटे हैं तो क्या है, फाइव लीटर है, नहीं तो नहीं है। तो देखो जैसे इंट मैक्स में मैंने क्या कर लिया, टू को असाइन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक फोर लूप लगाऊंगा, फोर इंट आई इक्वल टू एन माइनस टू, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और आई माइनस माइनस। अब आप बोलोगे सर आप आई इक्वल टू एन माइनस टू क्यों किए, क्योंकि आप देखो ये हमारा क्या है, एन माइनस वन है, एन माइनस वन को हमने क्या मान लिया है, एन माइनस वन को हमने मैक्सिमम मान लिया है। तो अब मुझे ट्रैवर्स करना है तो मुझे यहाँ से ना करना पड़ेगा, तो n माइनस वन ए है, मतलब ये क्या है, n माइनस टू है। समझ में आया, n कितना है, n सिक्स है, n कितना है सिक्स, तो सिक्स माइनस टू यहाँ टू है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर, और यही हमारा फोर है। समझ में आया? अब मैं क्या करूँगा, n माइनस टू से करूँगा। अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप एकदम आराम से देखिए वीडियो को, एकदम धीरे धीरे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार समझाता हूँ, देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मैं एक वेरिएबल बना लूंगा इंट नाम का, एक लीड नाम का लीड, और उसमें क्या करूंगा, जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको असाइन कर दूंगा। मैं मान लेता हूं ये हमारा लीडर है, और क्वेश्चन कह भी रहा है कि जो राइट मोस्ट एलिमेंट है वो लीडर है, मैंने इसको मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, चूंकि मैंने इसको लीडर मान लिया है, तो एक आंसर नाम का मैं वेक्टर बनाऊंगा, वेक्टर जिसमें मैं क्या करूंगा, जो लीडर अभी हमने माना है और जो टू हुआ है इसको मैं पुश बैक कर दूंगा, मीन्स इस वेक्टर नाम, इस आंसर नाम के वेक्टर में टू को मैं डाल दूंगा। मैं क्या करूंगा, जो हमारा आंसर नाम का वेक्टर है उसमें हम लास्ट वाले एलिमेंट को डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ से लेकर n माइनस टू से लेकर यहाँ तक ट्रैवर्स करूंगा, n माइनस टू से लेकर यहाँ तक, तो n माइनस टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस, मैंने इतना कर दिया, मैंने क्या किया, इतना कर दिया। और फिर मैं क्या चेक करूंगा, इफ एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जो आई हमारा है अगर ग्रेटर देन है किस से, मैक्स से, एरे ऑफ आई मतलब फाइव, जो फाइव पे सबसे पहले मैंने मैक्सिमम इसको माना है टू को, और मैं इसके बाद वाला चेक करूंगा कि फाइव जो है टू से ग्रेटर है, अगर फाइव टू से ग्रेटर है मतलब क्या, जो फाइव है वो भी हमारा लीडर है। क्यों? क्योंकि फाइव के राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही एलिमेंट है टू, अगर उससे भी वो ग्रेटर है मतलब क्या है, ये भी हमारा लीडर है, फाइव भी क्या है, लीडर है। तो अगर एरे ऑफ आई ग्रेटर देन हमारा मैक्सिमम एलिमेंट हो जाता है, मतलब क्या है, मतलब मैक्सिमम बराबर हमारा है क्या, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई मैक्सिमम हो गया। और चूंकि मैक्सिमम हमारा एरे ऑफ आई हो गया, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्टोर करना पड़ेगा कि टू तो हमारा लीडर है और फाइव भी इससे बड़ा हो गया, मतलब फाइव भी लीडर है। तो मैं क्या करूंगा, आंसर डॉट
पुश बैक किसको कर दूंगा, मैक्स को, जो यहाँ मैक्स आया है इसको मैं क्या कर दूंगा, इसमें पुश बैक कर दूंगा, इसमें मैं क्या कर दूंगा पुश बैक कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइव भी इसमें आगे स्टोर हो जाएगा। अब मैं चेक करूंगा इधर थ्री को, अब मैं थ्री को चेक करूंगा, अब हमारा मैक्सिमम हो गया है, अभी फाइव हो गया, अभी मैक्सिमम हो गया है फाइव, अब मैं थ्री को चेक करूंगा कि थ्री जो है फाइव से बड़ा है, नहीं है तो इस लूप के अंदर नहीं आएगा, इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं आएगा। फिर मैं क्या करूंगा फोर को चेक करूंगा, फोर जो है मैक्सिमम जो हमारा है उससे बड़ा है, नहीं नहीं बड़ा है, खत्म। सेवनटीन जो है सेवनटीन, मैक्सिमम जो हमारा फाइव है फाइव, इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो क्या करेगा इसके अंदर आएगा और सेवनटीन को इसमें पुश बैक कर देगा, आ गया। फिर मैं चेक करूंगा सिक्सटीन, सिक्सटीन जो है मैक्सिमम हमारा अब सेवनटीन हो गया, जो सिक्सटीन जो है सेवनटीन से बड़ा है, तो आप कहोगे नहीं सर नहीं बड़ा है, नहीं बड़ा है तो इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा और हमारा टू फाइव सेवनटीन हमारा लीडर है ये इसमें आ जाएगा, ये हमारा किस में आ जाएगा वेक्टर में आ जाएगा। तो टू फाइव सेवनटीन हमारा क्या है आंसर है, लेकिन देखो बहुत सारे स्टूडेंट बस इतना करेंगे और छोड़ देंगे, टू फाइव सेवनटीन हमारा आंसर है लेकिन हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, सेवनटीन फाइव टू, हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, पहले सेवनटीन फिर फाइव फिर टू, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें जो हमारा वेक्टर आंसर है, जो आंसर नाम का हमारा वेक्टर है उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। टू फाइव सेवनटीन अगर मैं इसको पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा सेवनटीन फाइव टू, और यही हमारा क्या है आंसर है, मैं क्या करूंगा इसको रिवर्स कर दूंगा, तो जो हमारा आउटपुट आएगा आंसर में, आंसर में आंसर को नीचे क्या कर दूंगा रिवर्स कर दूंगा। तो अभी मैं चलता हूँ अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको कोड करके दिखाता हूँ कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं और कैसे आपको भी करना है। और दोस्तों यार वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है जो आपके जॉब में आपके प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप वीडियो को पीछे करके देखें या फिर आप एकदम स्लो मोशन में देखें, आराम से समझ समझ कर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं चलता हूँ देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको कोड करके दिखाता हूँ। तो देखो ये हमारा है देव सी प्लस प्लस कंपाइलर, इसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर इसका लिखा हुआ है, क्या हैच इंक्लूड बिट्स स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस, और ये हमारा वेक्टर है और ये हमारा क्या है एरे है, ये हमारा क्या है एरे जो इसमें एलिमेंट है और हमने इसको पास किया, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, वेक्टर इंट टाइप का आई एन टी, जो हमारा आंसर को स्टोर करेगा, ठीक है आंसर को हम क्या करेगा स्टोर करेगा। अब देखो इंट मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा इंट जो हमारा मैक्स है मैक्स, उसमें मैं क्या कर दूंगा एरे ऑफ एन माइनस वन, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है वो लीडर है ही, इसको मैं इसमें स्टोर कर दूंगा। और इसको स्टोर करने के बाद मैं क्या करूंगा इसको आंसर में पुश बैक कर दूंगा, तो लिखूंगा आंसर डॉट पी यू एस एच पुश बैक, ये हमारा क्या है वेक्टर का फंक्शन है, इसमें मैं क्या कर दूंगा मैक्स को डाल दूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा मैक्स को मैंने डाल दिया, इसमें मैंने क्या किया मैक्स को डाल दिया। अब देखो अब मैं क्या करूंगा एक लूप चलाऊंगा, लूप फोर इंट आई इक्वल टू एन माइनस टू से, क्यों, क्योंकि यार एन माइनस वन को जो हमारा है एन माइनस वन, इसको मैंने क्या किया पहले ही आंसर में डाल दिया है, आंसर में डाल दिया है और उसको मैक्सिमम हमने मान लिया है, तो फिर उसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा आई इक्वल टू एन माइनस टू कर दूंगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए जीरो और आई को मैं घटाते रहूंगा, ठीक है। अब देखो इफ हमारा एरे ऑफ जो आई है अगर यही बड़ा हो जाता है जो मैक्सिमम जिसको मान है उससे, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम ए है, मैक्सिमम क्या है मतलब मैक्सिमम ए हो गया, आप कितना समझ में आया, इतना जब ऐसा हो गया तो मैं इसको आंसर में क्या कर दूंगा पुश बैक कर दूंगा, तो आंसर डॉट पी यू एस एच बी ए सी के पुश बैक किसको कर दूंगा मैक्स को, मैंने क्या किया इसको पुश बैक कर दिया, मैंने क्या किया इसको पुश बैक कर दिया, इतना करने से हमारा काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा इसको एक बार प्रिंट करके देख लूंगा, तो मैं जाऊंगा लिखूंगा फोर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन कहाँ आंसर डॉट साइज, क्योंकि आंसर में हमने स्टोर किया है तो आंसर का साइज लिखना पड़ेगा, और आई प्लस प्लस, और इसको करने के बाद मैं क्या करूंगा सी आउट ए एन एस आंसर ऑफ आई, जितना मैंने कर लिया, और मैं यहाँ स्पेस दे दूंगा और क्या करूंगा सेमी कॉलन कंट्रोल प्लस एस करूंगा, और मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा क्या आता है,
तो जैसे ही रन करूंगा मुझे क्या दिख रहा है, 2517, लेकिन हमारा आंसर क्या है, 1752। 2517 यहाँ दिख रहा है लेकिन हमारा आंसर क्या है, 1752। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और रिवर्स फंक्शन को कॉल कर दूँगा, रिवर्स रिवर्स इशू करना है आंसर को। तो आंसर और आंसर प्लस क्या, इसका साइज कितना है एन, इसके साथ कितना है एन, तो एन लिख दूंगा। मैंने इसे रिवर्स कर दिया, कंट्रोल प्रेस एस करूंगा और सेव करूंगा, कंपाइल रन करूंगा। तो हमारे पास अभी आ गया एरर, हमारे पास अभी क्या है एरर। रिवर्स करने का फंक्शन क्या है, रिवर्स, और अरे रिवर्स मुझे करना है ना, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो रिवर्स करने का फंक्शन क्या है, आंसर डॉट, देखो जहाँ से शुरू हो रहा है बिगिन, जहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक मुझे रिवर्स करना है उसके लास्ट तक, तो आंसर डॉट एंड, ये तो मुझे कर देना है। कंट्रोल प्रेस एस करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। और जैसे ही रन करूँगा मुझे आउटपुट दिख रहा है 1752। मैंने वहाँ जो गलती से शॉर्ट का फंक्शन लगा दिया था, रिवर्स मुझे करना था, तो मैं क्या करूँगा, आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट एंड। तो अभी आपको समझ में आ गया है कैलकुलस क्या होता है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो किसी भी एरे में लीडर वही है जिसके राइट हैंड साइड में उससे छोटा एलिमेंट हो, मीन्स सबसे बड़ा एलिमेंट वही हो और उसके राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं उससे छोटा हो या फिर बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, लीडर। उसको क्या बोलते हैं, लीडर। तो अभी आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सोल्यूशन भी समझ में आ गया हो। लेकिन सॉल्यूशन में फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, आपके कमेंट को काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड